महाराज विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। बहुत समय पहले उत्तर हिमालय में एक छोटा सा गांव था, और उस गांव का नाम था वीर शिवपुर। गांव वालों का मुख्य कार्य था मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पुतले और देवी देवताओं के सुंदर सुंदर मूर्ति बनाना। उस गरीब गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था पराशर। वह अपने पिता के साथ रहता था। कम उम्र होने के बावजूद भी मिट्टी के कामों में बहुत ही मशहूर था पराशर अपने गांव में, और उसके जैसा मिट्टी का काम कोई नहीं कर सकता था। लेकिन पराशर के पिता के शब का यह इच्छा था कि उसका बेटा उसके जैसा मिट्टी का बर्तन बनाकर अपना जीवन न व्यतीत करे। वह चाहता था कि मेरा बेटा शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे, पढ़ लिख कर वह अच्छा इंसान बने। इसलिए पराशर को एक दिन अपने पास बुलाकर कहने लगे, पराशर, पराशर। पिताजी, आप मुझे बुला रहे हैं क्या? क्या कर रहे हो अभी? क्या करूं, मूर्तियों को रंग रहा हूं पिताजी। वह सब करके क्या फायदा? पूरी जिंदगी मेरी तरह मिट्टी का काम करेगा तू? यह सब छोड़कर थोड़ा पढ़ लिख ले बेटा। क्या हो गया है आपको? सुबह सुबह ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुम्हार का लड़का कुम्हार का काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी तरह मिट्टी के काम नहीं करोगे। हाँ, पढ़ाई लिखाई करोगे, खूब मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करोगे। जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। हाँ हाँ, सुनो, तैयारी कर लो, कल सुबह ही हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे पिताजी? पास के गांव शेरपुर, त्रिकुट मुनि आश्रम है, वहाँ जाकर ऋषि मुनि से शिक्षा ग्रहण करना है तुझे, समझा? अस्त्र शिक्षा, शस्त्र शिक्षा, तुम यह सब प्राप्त करके एक दिन बहुत बड़े हो जाओगे। आपको अकेले छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा पिताजी। अरे बेटा, बात सुन मेरी, जिद मत कर बेटा, जिद मत कर बेटा। पूरा गांव तो है मेरे साथ, तू निश्चिंत होकर जा, तू मेरी चिंता मत कर बेटा। ठीक है। वह देखो आश्रम आ गया है, जल्दी जल्दी उतर जाइए। हाँ, उतर रहा हूँ उतर रहा हूँ। चल चल चल, जल्दी जल्दी उतर जा। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम? गुरुदेव, मैं केशव हूँ, वीर शिवपुर गांव से आया हूँ। मैं एक कुम्हार हूँ और यह मेरा इकलौता बेटा है, इसे आप अपने शरण में रख ले गुरुदेव। मैं नहीं चाहता वह मेरी तरह सारी जिंदगी कष्ट करे, वह एक अच्छा इंसान बने, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ केशव।
उसे मेरे पास रहने दो, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ठीक है गुरुदेव, अब मैं चलता हूँ गुरुदेव। उसके बाद त्रिकूट मुनि आश्रम में परासर शिक्षा ग्रहण करने लगा। नीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, गणित, दर्शन, सभी विषयों में परासर सभी विषयों का ज्ञान अध्ययन करने लगा। आश्रम के सभी विद्यार्थियों में परासर गुण और विचार में सबसे अव्वल रहा। क्या कर रहे हो दोस्त? ओहो तुम हो, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। वह देखो, वह गोल चक्र तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। उस गोल चक्र में निशानेबाजी कर रहे हो? हाँ हाँ देखो ना मेरे दोस्त, निशाना ठीक से नहीं लगा पा रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ। निशाना लग जाएगा दोस्त, कोशिश करो। शाबाश दोस्त। सोमदत्त, पराशर, तुम दोनों को गुरुजी बुला रहे हैं। क्या बात है, गुरुजी इस समय क्यों बुला रहे हैं? वो मैं नहीं जानता हूँ, पर जल्दी बुलाएं। ठीक है तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, क्या बात है बताओ तो दोस्त। चलो ना जाकर देखते हैं। विषय बहुत गंभीर है, आप हिम्मत न हारे महाराज, धैर्य रखें, मैं देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आओ आओ बच्चों, महाराज इन्हीं दोनों के बारे में मैं आपसे कह रहा था। क्या हुआ है गुरुदेव? यह है चंदनपुर के महाराज चंद्रदत्त, ये बहुत बड़ी समस्या लेकर मेरे पास आए हैं। क्या समस्या है महाराज? कुछ दिनों से चंदनपुर में एक समस्या दिखाई दे रहा है बेटा। राजमहल और प्रजाओं के घर से बीच बीच में मनुष्य गायब होते जा रहे हैं। कहाँ गायब हो जा रहे हैं वे लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। आश्चर्य की बात है। पिछले दिन मेरी बड़ी रानी की दासी ने आकाश में एक दानव को उड़ते हुए देखा है। हाँ? दानव? पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज सुबह मेरे आँखों के सामने मेरे सेवक को एक भयंकर दानव उठा कर ले गया। मैं सब देखने के बाद भी कुछ नहीं कर सका। सुनो बच्चों, इन आश्रम के सभी छात्रों में से तुम दोनों सबसे ज्यादा वीर और बुद्धिमान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों ही इस समस्या का समाधान करो। हम लोग तैयार हैं गुरुदेव, क्या करना होगा बोलिए। ठीक है रुको तुम लोग। ये लो सोमदत्त, इस चक्र को अपने साथ रखो, मुसीबत के वक्त काम आएंगे। यह लो परासर, इस चाकू को अपने साथ रखो, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। धन्यवाद गुरुदेव। अब तुम दोनों दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ो, वहां जाकर महर्षि भीगु से मिलो। महर्षि भीगु? वो कौन है गुरुदेव? वह सर्वज्ञानी है, इस जगत के सभी घटनाएं उन्हें पता है, वे इस समस्या का हल बता सकते हैं तुम दोनों को। और देर मत करो, अभी तुम दोनों निकल पड़ो। क्या गुरुदेव? और कितना दूर है दोस्त? बहुत थक गया हूँ। कितना दूर है? दिन ढल गया है। सुनो दोस्त, आगे जाने की जरूरत नहीं, इसी पेड़ के नीचे हम लोग आराम करते हैं, सुबह फिर निकल पड़ेंगे।
यही ठीक रहेगा दोस्त। वो देखो वो देखो, चलो चलो उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम कर लेते हैं। हाँ हाँ वही चलो। कौन हो तुम लोग? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ, कौन बोल रहा है? ये देखिए मैं हूँ, मैं बेंगुमा पेड़ के ऊपर हूँ। ओ तुम, हम लोग महर्षि भिगु से मिलने आए हैं। कहाँ रहते हैं वो बता सकती हो तुम? हाँ बता पाऊंगी मैं। थोड़ी से दूर में बिंद पहाड़ की गुफा में रहते हैं भिंगू, मगर तुम लोग वहाँ उतना दूर पैदल नहीं जा पाओगे। हाँ तो फिर कैसे जाएंगे हम लोग दोस्त? वहाँ जाना बहुत जरूरी है, कोई उपाय बताओ दोस्त। हम लोगों के तुम्हारे जैसे पंख निकल आए। जाओ तुम लोग, अब तुम लोग आसानी से बिंद पहाड़ पर महर्षि के पास पहुंच जाओगे। प्रणाम ऋषिवर। किस कारणवश तुम लोग आए हो? क्या चाहते हो तुम लोग? ऋषिवर, चंदनपुर राज्य में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। वहाँ के प्रजा बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं। पूरा नगर खाली होते जा रहा है। लग रहा है कि दानव का अत्याचार। हाँ हाँ ऋषिवर, हम लोगों को भी यही लग रहा है। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 20 कोस दूर में एक राक्षस नगरी है। ये उन लोगों का ही काम है। चंदनपुर से मनुष्य को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम दोनों को वहाँ जाना होगा, और वह रास्ता बहुत ही कठिन है। क्यों ऋषिवर, क्या है उस रास्ते में? रास्ते में मिलेंगे एक अग्नि सरोवर, उसे पार करके ही तुम्हें राक्षस नगरी में जाना होगा। बहुत सावधानी से पार करना होगा उस रास्ते को। अगर थोड़ी सी भूल हुई तो तुम दोनों की मौत हो जाएगी। मृत्यु का भय नहीं ऋषिवर, हम लोग चलते हैं, आप आज्ञा दीजिए। आओ तुम लोग। उसके बाद पराशर और सोमदत्त राक्षस नगर के उद्देश्य से बहुत ही भयंकर रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते वे लोग आ पहुँचे वही अग्नि सरोवर के सामने। अरे ये तो मृत्यु कुंड दिख रहा है मेरे दोस्त, क्या करें? हाँ और कोई रास्ता नहीं मेरे दोस्त, आगे बढ़ना होगा। ओह आह, बहुत थक गया हूँ दोस्त। और कितना दूर है कुछ पता नहीं। ओह ओह आह। आज भोजन खुद चलकर आ गया मेरे पास। सावधान दानव, एक पैर भी आगे बढ़ाओगे तो मार दूंगा। तू मुझे मारेगा। सोम, गुरुदेव का दिया हुआ चक्र प्रहार करो। हाँ 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 हाँ। चलो पराशर, अब राक्षस नगरी में प्रवेश किया जाए। बाप रे, कितना बड़ा महल, लेकिन ये खाली क्यों पड़ा है? कोई दिख नहीं रहा है। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। लग रहा है कोई चिल्ला रहा है, लग रहा है कोई लड़की चिल्ला रही है। हाँ लेकिन किधर से आ रही है ये आवाज, समझ में नहीं आ रहा है। बचाओ मुझे, बचाओ, रक्षा करो मेरा। अरे
अरे अरे वो देखो वो देखो, उस पिंजरे में कोई है। बचाओ मुझे, बचाओ। हाँ हाँ रुकिए रुकिए, मैं आ रहा। यह लीजिए, बाहर निकलिए निकलिए जल्दी। धन्यवाद। कौन है आप? मैं चंद्रकांता हूँ, सर की अप्सरा, राक्षस राज के राजा। मुझे छोटा सा गुड़िया बना के इस पिंजरे में बंद करके रखा था। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? वापिस चले जाओ, वरना राक्षस राज लोग जानेंगे तो तुम्हें मार देंगे। हम लोग उसे मारने आए हैं। हाँ, उसको मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? वो बहुत मायावी है, उसके सामने युद्ध करना बहुत ही असंभव। और कोई रास्ता नहीं है क्या? उधर मिट्टी के नीचे एक महाकाली का मंदिर है। उस महाकाली के हाथ में जो स्वर्ण दंड है, उसमें राक्षस राज का प्राण है। उसको तोड़ के दो टुकड़ा करना पड़ेगा, फिर वो राक्षस मर जाएगा। उस दानव के मरने के बाद वो अपनी समस्त माया शक्ति विलुप्त हो जाएगा और मैं फिर से अपने रूप में वापिस आ जाऊंगी। चलो दोस्त, हम लोग अभी उस महाकाली के मंदिर में जाते हैं। रुको सुनो, अभी दानव महाकाली के पूजा में लगा हुआ है। अभी जाओगे तुम लोग तो पता चल जाएगा। हम लोग अभी जाएंगे, चलो दोस्त। हाँ हाँ चलो चलो। जय माँ जय माँ। इस हवन के समाप्त होते ही मैं अमर हो जाऊंगा। जय माँ जय माँ। यह सपना तेरा कभी सच नहीं होगा शैतान। तुम लोग कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तुम लोगों का हिम्मत तो कम नहीं है। मुझे मारना इतना आसान नहीं। जाओ उस दंड को तोड़ दो। उस दंड को तोड़ोगे, उस दंड को छुओगे तो भस्म हो जाओगे तुम लोग। और यह लो पराशर। अरे मैं तो वापस ठीक हो गई, मैं अपने रूप पा गई। जल्दी से यहाँ से वापस बाहर निकलो, अभी तुरंत ये सब टूट के धस जाएगा नीचे। चलो जल्दी चलो। टेक वन। धन्यवाद। अगर तुम लोगों को मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं चली आऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, चलती हूँ। तुम लोगों की वीरता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम लोगों की वजह से ही चंदनपुर के प्रजाओं का प्राण बच गए। तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए अब और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों का शिक्षा संपूर्ण हुआ, अब तुम लोग अपने माता पिता के पास वापस जा सकते हो। अच्छा गुरुदेव, तो आज्ञा दीजिए, तो फिर चलते हैं। ठीक है, आओ आओ तुम लोग। लेकिन महाराज, यहाँ दानव राज को मारने के लिए
इन दोनों का कोई भूमिका नहीं था। इसका कारण यह था कि अगर ऋषिवर चक्र और चाकू नहीं देते तो वे दोनों कभी भी दानव को नहीं मार पाते। इसलिए इन दोनों को वीर नहीं माना जा सकता है महाराज। बैताल, पराशर और सोंगर इस मायावी दानव शक्ति के आगे कुछ भी नहीं थे। उस मायावी दानव को पराजित करना संभव नहीं था, इसलिए मायावी शक्ति की सहायता लेकर वह दोनों अपने बुद्धि का परिचय दिए। अगर वे दोनों वीर न होते तो अग्नि सरोवर पार कैसे कर पाते। यहाँ पर भी वे लोग अपनी बुद्धिमानी दिखाए हैं। सारी मायावी शक्ति को तहस नहस करके राक्षस नगरी में पहुंचे और वहां जाकर महाकाली के मंदिर में जादुई दंड तोड़ दिए और मायावी दानों का वध कर दिए। इसलिए पराशर और सोमदत्त को वीर कहा जाता है। बैताल, महाराज आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। इसलिए अब मैं चला। Woo-hoo!